तो ये आत्मन आज एक बहुत ही सुंदर, जैसा कि आज और विश्व गौरैया दिवस है, इंटरनेशनल स्पैरो डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और भारतवर्ष में भारत का जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी इंडिया और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस, तो भारत और फ्रांस के मिले जुले प्रयास से विलुप्त हो रहे गौरैयों को की संख्या बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास, और गौरैयों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये लुप्तप्राय हो रही थी। और अगर हम मतलब बहुत अगर इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे वो भारतवर्ष में ऋषि महर्षियों ने, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो खर के बारे में, वो जब वो वन में घूम रहे थे तो उन्होंने हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, भगवान मैंने त्रेता युग की बात है, लाखों वर्ष बीत गए और भगवान श्री राम ने हे खग खग मैंने पक्षियों में सब आ गया, लेकिन आ चुकी ये विश्व गौरैया दिवस है। और मेरा अब मैं फोकस करना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं खासतौर से उनके अंदर ये जागरूकता लाई जाए कि जो गौरैया है या किसी प्रकार और जो भी पक्षियां हैं जो वो गांव घर आंगन में, घर के आंगन मुड़ेरे और छत के मुड़ेरे और झरों के भी इधर उधर ये सब गौरैयों का स्थान रहता है, और आसपास जो पेड़ है उस जगह पर ये अपना बसेरा बनाती हैं, और वो दाना चुनती है, पानी पीती हैं, और उसे ये सौभाग्य की वो गुड ओमेन की प्रतीक है। तो अपने बच्चों में इस भावना को डेवलप किया जाए। और हमने अभी जैसे अभी कहा कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, भगवान राम ने पहले खग का ही नाम लिया। तो हमारे अगर देखा जाए तो अनादि काल से, वैदिक काल से, और वो ऋषि परंपरा से, और पक्षियों के प्रति बहुत आदर रहा है। जब 30-32 साल पुरानी बात है, जब मैं अरुणाचल प्रदेश में था तो जैसे हमारे यहाँ वो डॉक्टर सलीम अली है और वर्ल्ड वाचर, वैसे वहां पर वो अमेरिका से आती, यूनाइटेड अमेरिका यूएसए से रॉबर्ट फ्लेमिंग, ये 30-32 पुराने वर्ष बात है। मॉर्निंग असेंबली में केंद्रीय विद्यालय अरुणाचल ईटानगर में मैं पोस्टेड था, वहां मॉर्निंग असेंबली में वो एड्रेस कर रहे थे रॉबर्ट फ्लेमिंग जो यूएसए के वर्ल्ड वाचर। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में मोर देन 1100 वो वेराइटीज हैं, जिसमें मोर देन 50% तो छोटे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है। उन्होंने कई तरह की बोली बोलकर दिखाया, चिड़ियों का नाम बताया। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा आज के इस खास अवसर पर, वैसे तो हमने अगर वो बोस्टिंग अगर बात आत्मश्लाघा की बात न की जाए तो हमने अपने सरकारी आवास में शुरू से ही और अपने बचपन से विद्यार्थी जीवन में पशु पक्षियों के प्रति एक बहुत बड़ा वो लगाव रहा है। उनके लिए हमने कुछ यहाँ सैकड़ों, अभी बनारस में जो मेरा आवास केंद्रीय विद्यालय कैंपस में था वहां सैकड़ों गौरैया, लोग को आश्चर्य होता था कि जो गौरैया दिखलाई देती थी अब उनके लिए दाना पानी, और सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो सिलसिला चलता रहता था, और तमाम तरह के पक्षी गौरैया और वो मैना बुलबुल और तमाम अन्य अन्य पक्षी, और इवन तक कोयल और पानी पीते थे, चावल चुनते थे, और बहुत खुशी का वो वातावरण रहता था। तो आज गौरैया दिवस पर विशेष रूप से मैं अपने वो छोटे बच्चों को जो ये उससे निवेदन करूंगा कि अपने घर के आसपास, छत मुड़ेर के आसपास अगर चावल के कुछ टुकड़े या किसी कटोरे या किसी वो मिट्टी के बर्तन किसी में वो पानी रख देंगे तो वो पक्षी ये पीते हैं और उनका जीवन, वो दाना चुनते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो वैसे तो मैं गौरैया के लिए ये सब करता था, लेकिन उसमें और तरह के पक्षी आते थे, और इवन गिलहरियों की संख्या बढ़ गई वहां पर, और गौरैया मैना बुलबुल कोयल और इस तमाम तरह के पक्षियों का वहां पर हमारे आवास के आसपास जमकर टका रहता था, और बड़ी खुशी होती देख करके। तो आज इस दिवस पर विशेष रूप से मैं, जो कि ये मेरे भारत और फ्रांस के मिले जुले प्रयास से इसमें बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, आज का ये 20 मार्च गौरैया दिवस विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं बार बार ये निवेदन करूंगा, मेरे चैनल मेरा जो वो चैनल है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्चर्स, इसमें हमने बहुत सी बातें कही हैं, उनको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को मैंने वो बहुत जन जीवन पशु पक्षी और वो स्क्रिप्चर्स, और वो क्योंकि
हमारे अनादिकाल से ऋषियों का वो ये देश रहा है, और जंगल में ऋषि रहा करते थे, और उनके वो आश्रम में तरह तरह के वन जीव पशु पक्षी और खग मृग विपुल कोलाहल कर रही और विरहित बैल मुदित मन च रही रामचित मानस की इससे बड़ी क्या कोई लाइन दे सकता है। और खग मृग विपुल कोलाहल कर रही और बैरित बैल और मुदित मन च रही, ऋषियों के आश्रम में खग मृग विपुल कोलाहल उनका चहचहाट चर्पिंग होता था, और विरहित बैल अपने स्वाभाविक बैल को त्याग करके और मुदित भाव प्रसन्न मन से रहते थे। तो इस तरह से हमारे वेदों पुराणों मोक्षदों में रामचरित मानस में ये सब कथाएं भरी पड़ी हैं, बहुत तरह से कथाएं भरी पड़ी हैं, और हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में अब ये परंपरा रही है पशु पक्षी के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति। तो मैं अब बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर यही कहूंगा कि अपने छोटे बच्चों में जो विद्यार्थी हैं और युवा वर्ग है उनको इस तरह थोड़ा जागरूक होना है, और अपने घर के मुंडेरे छत पर आसपास और थोड़ा जल थोड़ा वो चावल के छिड़ के रखे रहेंगे तो इस तरह गौरैया अपने आप आती है, और गौरैया जो लुप्त प्राय हो रही थी अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है। और इस क्षेत्र में हमने जो प्रयास किया है वो अगर आप मेरे जो चैनल को देखें जो दर्जनों बन चुके हैं वो उसको देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लगे कि हमने इस क्षेत्र में विभिन्न पशु पक्षी मनुष्य और प्राणी मात्र के प्रति जो बात कही है, और विभिन्न स्क्रिप्चर से जो जो स्कैटर्ड जो मोती है बिखरे मोती उनको ला ला करके उसमें दिया, तो आप देखिए सब्सक्राइब करिए और लोगों में इसको फैलाइए, इसको शेयर करिए, आगे मैं बहुत सी बातों के साथ आपके पास आऊंगा और बहुत सी सारी बातें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।